दिखाइए अंदर कैसे झंडा फहराया जाता है। नहीं नहीं हम तो बाहर और अंदर, आप अंदर भी तो लगाओ कम से कम दिल के अंदर। लगा के तो दिखाइए तिरंगा, तो बाहर हम सब लगाते रहते हो, तो आपने ही नहीं लगाया तिरंगा। अरे भाई तो कभी लगाया नहीं, 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा। ये तिरंग देखिए, ये तिरंगे के तीनों रंग का ये अर्थ समझा रहे, अच्छा समझाया इन्होंने। इनको तो रिक्वेस्ट करिए कम से कम बाकी दोनों रंग का इस्तेमाल तो करें, खबर एक रंग में हमेशा दिखते हैं ये। जब देखिए तो हरे रंग के कुर्ते में रहते, कभी दूसरे रंग के कुर्ते में देखा है? कबाली डांस। देखिए वो तो तिरंगे के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम डरते भी नहीं है ईडी से, कोई कुछ कर ले। लेकिन सब कुछ बीजेपी गड़बड़ कर रही है, एनडीए गड़बड़ कर रहा है। देखिए बिना मतलब का ये झमेला है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। ईडी जांच कर रही है, ईडी एक जांच करने वाली एजेंसी है। इनकम टैक्स का भी रेड होता है तो इनकम टैक्स अपने साथ पुलिस बल को ले जाती है। ईडी जब जांच कर रही है तो उसको सील करने का भी अधिकार है, उसको घर को रेड करने का भी अधिकार है, उसको तमाम तरह का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि चूंकि सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड हाउस को सील किया गया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्वेलित हो सकते हैं आशंका के स्वरूप, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले टायर वायर जलाए गए थे, हिंसा हुई थी, उसको मद्देनजर उन्होंने AICC दफ्तर सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी। हो सकता है, ये भी हो सकता है कल को अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के घर पर रेड कर ईडी करे तभी पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें रेटोरिक्स करने का और इसमें ये देने का कोई जरूरत नहीं। जहां तक रही तिरंगा यात्रा की बात तो शफीकुर रहमान भट्ट ने तो कहा था समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत रही है, अब वो कहेंगे बाद में कल सुबह तक बयान हो जाएगा इनका कि ये उनके निजी विचार है। तिरंगा हर भारतीय के दिल में है और ये 75वां अमृत महोत्सव है, हर भारतीय इसको लेके एक्साइटेड है, खुश है और सब चाहता है कि तिरंगे के साथ वो भी घूमे। जिनको नहीं घूमना है ना घूमे भाई, पर वो कह रहे हैं जो बाइक रैली थी ये बीजेपी वालों की थी, पकड़वा के तिरंगा नहीं घुमाएगा ना। अब इन्होंने बीजेपी को तिरंगा का भी ठेकेदार बना दिया है तो ये तो इनकी विफलता है। पता नहीं ये राजनीति कहां करना चाहते हैं। ओके, अगर तिरंगे पे लड़ाई का अधिकार बीजेपी का हो गया तो बाकी दल क्या करेंगे? ओके अनुराग बुधरी, देखिए ये तिरंगे पे ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर तिरंगे पे राष्ट्रीय कॉज की बात है, उसमें राष्ट्रीय कॉज के साथ है, ये मेरा सम्मान है, विरुद्ध लगेंगे। अंदर में तिरंगा लगाओ, अंदर में दिल के अंदर तिरंगा का मतलब समझो। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर ही लगता है, समझते नहीं तिरंगा का मतलब क्या है। अंदर में जो तिरंगा लगाते हैं उनको पता है कितना तिरंगा लगा रहे हैं, लोकतंत्र का मतलब कहां अंदर में तिरंगा लगाते हैं। हिंदुस्तान में जाति धर्म पे जो आप नफरत की राजनीति करते हो बंद कर दोगे। अरे कहां अंदर में कहां तिरंगा लगाते हैं वो बंद कर दोगे जिस दिन आप तिरंगे का मतलब समझ जाओगे। अंदर में कहां तिरंगा लगाते हैं बताइए, तो आप हमेशा मैंने पहली बार सुना अंदर में तिरंगा लगाओ। 1948 में आपने तिरंगे का विरोध किया था और तीन रंगों का विरोध किया था आपने। आपने कहा अंदर में तिरंगा लगाएंगे, सुनिए अरे सुन तो शफीकुर रहमान तिरंगे का मतलब बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है जो उन्होंने एक चैनल में बोला तिरंगा लगाएंगे। शफीकुर रहमान की तरह गिल्ट है उनके मन में, चोर है वो अपने। अरे अंदर में कहा तिरंगा लगाएंगे, शफीकुर रहमान की तरह लगाएंगे हम लोग। ठीक है आपने कई सारी बातें बोली, आपने कई सारी बातें बोली, निरंतर बोल रहे हैं। ओके संबित पात्रा को स्क्रीन पे आने दीजिए, आपने अनुराग बुधरी कई सारी बातें बोली। एक सेकंड संबित पात्रा, एक तो अंदर तिरंगा लगाइए, दूसरा तिरंगे का मतलब जानिए, तीसरा शफीकुर रहमान वर्ग की बात पर आपका रिएक्शन। अरे भैया अमीश जी, अनुराग भदौरिया जी को अंदर ही तिरंगा लहराने दीजिए, काहे को इनको परेशान कर रहे हैं। अनुराग जी आप चिंता मत करिए, सारे समाजवादी पार्टी के लोग आप लोग अंदर ही तिरंगा लहराइए। अंदर तिरंगा लहराने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब कहाँ अंदर में लहराना है? आपके अंदर दिल में तो है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर पे लहराए, आप बोल रहे हम अंदर लहराएंगे। कहाँ अंदर, कहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में सोच है? हिंदुस्तान अंदर कहाँ लड़ाना है? हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति क्यों करते हो? अंदर कहाँ लड़ना है? ऐसे 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 नहीं मन में हंस के दिखाओ। अच्छा ऐसे ही अंदर तिरंगा ले रहा हूँ। एक एक करके अनुराग आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूँ मैं। 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ अनुराग भदौरिया आपका। 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। ऐसे नहीं होगा, एक एक करके दोनों को आप टू विंडो में रखिए, लेकिन ऑडियो डाउन कर दीजिएगा 30 सेकंड के बाद। पीसीआर समित पात्रा जवाब, फिर अनुराग भदौरिया का ऑडियो करिए। बोले जा रहे हैं अमीश भाई, ये कोई मैंने कोई पिक्चर देखा था जिसमें वो बता रहा था भिलियन कि आप बंदूक लगा के अंदर मन के अंदर हंस, मन के अंदर हंस के दिखाओ कैसे हंसते हैं। भैया अनुराग भदौरिया बोल रहे हम तिरंगा फहराएंगे मगर अंदर फहराएंगे, हम दिखा के नहीं तिरंगा फहराएंगे, अंदर फहरा देंगे।
तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही अंदर कैसे तिरंगा फहराया जाता है, जरा यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन तो करे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करे कैसे अंदर फहरा पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि ट्विटर में भी सारे लोग अनुराग भदुरिया जी अभी तिरंगा का एक सेकंड ये देखिए ये तिरंगे के तीनों रंग का ये अर्थ समझा रहे, अच्छा समझाया इन्होंने, इनको तो रिक्वेस्ट करिए कम से कम बाकी दोनों रंग का इस्तेमाल तो करे, खबर एक रंग में हमेशा दिखते हैं ये, जब देखिए तो हरे रंग के कुर्ते में रहते, कभी दूसरे रंग के कुर्ते में देखा है प्रभु? ठीक है, समझ पाता। पब्लिक डिमांड पर ट्विटर में भी बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि अंदर झंडा फैला के दिखाइए अनुराग भदुरिया, डिमॉन्स्ट्रेट करिए अंदर झंडा कैसे फैलाते हैं, पब्लिक डिमांड पर एक डेमो दिखा देंगे तो संबित सुरेंद्र राजपूत सब कोशिश करेंगे अंदर झंडा फैलाने की, कराइए। हम तो बाहर फहराएंगे, इनको दिखाने दीजिए, दिखाइए अंदर कैसे झंडा फहराया जाता है। नहीं नहीं, हम तो बाहर और अंदर, आप अंदर भी तो लगाओ कम से कम, दिल के अंदर लगा के तो दिखाइए तिरंगा, तो बाहर हम सब लगाते रहते हो, तो आपने ही नहीं लगाया तिरंगा। अरे भाई, तिरंगा तो कभी लगाया नहीं, 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा, वाह तिरंगे का चांद भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। जिन्होंने तिरंगे का 52 साल तक नहीं फहराया, जो तिरंगे का अपमान करते थे आज वो तिरंगे की बात करते हैं, अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी आज तिरंगे की बात कर रही है, बधाई संबित जी आपको बधाई, कम से कम आप तिरंगे की बात तो करने लगे, कम से कम तिरंगा समझ में तो आया, नहीं तो एक रंग का आप बनाना चाहते थे, आप तो चाहते थे नागपुर से कानपुर तक एक ही रंगे का तिरंगा, एक ही रंग का झंडा फहराएगा, एक रंग का झंडा नहीं फहराया जाएगा, हिंदुस्तान में तिरंगा फहराया जाएगा।